हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि फ्रेंड्स, बहुत लोगों का इस तरह का जो है प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, ये कॉमन है फ्रेंड्स। ये सभी का प्रॉब्लम आती है, जब भी आप नए डिवाइस खरीदते हैं तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ये सबका प्रॉब्लम होता है जो भी नए नए डिवाइस को कनेक्ट करता है। सबसे पहले आप यहाँ पे चेक कर लेना सर्विस पैक वन में, आपका कंप्यूटर प्रॉपर्टी में जाके वहाँ पे चेक करना सर्विस पैक वन यहाँ पे है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको सबसे पहले एक सेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सेटिंग ये है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको रन कमांड में जाना है। रन कमांड में आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा REGEDIT, यहाँ पे दे सकते हैं REGEDIT, यहाँ पे सिंपली ओके करना है। और उसके बाद यहाँ पे आप इस तरह का आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे सबसे नीचे में विंडो, यहाँ पे विंडो का बटन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले ये जो है यहाँ पे एक बार क्लिक करने से ये नहीं होगा, यहाँ पे दो बार डबल क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे इस तरह पेज खुलेगा, यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं नेम टाइप डाटा यहाँ पे जो लिखा हुआ है। तो इस तरह का आपके पास पेज खुलेगा, तो उसमें सबसे पहले आपको खोजना है CSD वर्जन। CSD वर्जन में आपको डबल क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ पे 100 लिख के ओके कर देना है, ठीक है। तो सेकंड सेटिंग है यहाँ पे हम लोग का। उसके बाद यहाँ पे हम लोग गूगल क्रोम में आएंगे, वहाँ पे लिखेंगे नेट फ्रेमवर्क, ठीक है। उसके बाद पे जो भी वर्जन है, ठीक है, तो ये वर्जन आपको कहाँ मिलेगा, मेरा वर्जन है, मेरे लैपटॉप का वर्जन है 4.5.2, ठीक है। जब आप मंत्रा का जो मैंने जो इससे पहले जो सेटिंग बताया ना, वो सेटिंग करने के बाद जब मंत्रा ड्राइवर को आप इंस्टॉल करोगे तब उस वो पॉपअप आएगा, आपका वर्जन बताएगा, ठीक है। वो वर्जन आपको यहाँ पर डालना है और सिंपली उसी वर्जन को डाउनलोड कर लेना है अपने PC में। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का जो है, यहाँ पे हम लोग वेबसाइट पे आ गए हैं माइक्रोसॉफ्ट का, यहाँ पे हम लोग 4.5.2 वर्जन वाला यहाँ पे सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड कर रहे हैं नेट फ्रेमवर्क का, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ सिंपली डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डाउनलोड क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इंस्टॉल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, वेट करना और क्या, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करके उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लेना। तो रिस्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे जो है अपने कंप्यूटर प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे सबसे पहले अपना प्रॉपर्टी चेक कर लेंगे। यहाँ पे सर्विस पैक वन यहाँ पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो ठीक है, आपका अब डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा, चालू हो जाएगा मंत्रा डिवाइस। अगर नहीं है तो आप एक बार उसको जो भी है आपका PC कंप्यूटर आप उसको रिस्टार्ट कर ले, ठीक है, अपने PC को रिस्टार्ट कर लेना। उसके बाद आपको ये पे सर्विस पैक वन यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि अगर आप मंत्रा को इस तरह कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देख सकती है यहाँ पे कुछ तरह का एरर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए आ रहा है एरर क्योंकि यहाँ पे जो है नेट मेरा कनेक्ट नहीं है, इंटरनेट, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनेट मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब मैं मंत्रा को टेस्ट किया, अब देखिए यहाँ पे मेरा जो है वो मंत्रा जो है वो फ्रेमवर्क इज रेडी टू यूज, ठीक है, यहाँ मेरा रेडी टू यूज हो चुका है। अब मैं मंत्रा डिवाइस को अपना किसी भी वर्क में लेके आ सकता हूँ, ठीक है। तो अब मंत्रा मेरा काम करने लगी है, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपका कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आपको और एक प्रॉब्लम, सबसे पहले आपको यहाँ पे मंत्रा टेस्ट कर लेना है कि आपका मंत्रा डिवाइस
जो रेडी हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट में आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आप पुट ये फिंगर डालना है, फिंगर डालना है। उसके बाद यहाँ पे फिंगर ले लेगा, उसके बाद यहाँ पे सारे जो ऑप्शन है यहाँ पे आपका ब्लूटिक होना चाहिए। ठीक है, सारे ऑप्शन ब्लूटिक हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपका अभी भी मंत्रा जो है वो डिवाइस चालू नहीं हुआ है तो लास्ट ऑप्शन है, इसके बाद आपका 110% मंत्रा आपका जो है वो काम करने लगेगा। ठीक है, तो ये लास्ट ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले गूगल क्रोम में आओगे, वहाँ पे आपको कंट्रोल एस प्रेस करना है। कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे एक हिस्ट्री का जो है वो लिस्ट यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री को हटा के यहाँ पे क्रोम स्लैश ऑब्लिक यहाँ पे फ्लैग करना है। ठीक है, फ्लैग जब आप यहाँ पे टाइप करोगे तो आपको इस तरह का पेज खुलेगा। तो यहाँ पे आपको अलाउ पे क्लिक करना है, अलाउ कर देना है। ठीक है, सबसे ऊपर वाला यहाँ पे अलाउ इनवाइट सर्टिफिकेशन को और यहाँ पे इनेबल कर देना है। अगर यहाँ पे डिसेबल होगा तो इनेबल कर देना है, उसके बाद लॉन्च करना है। लॉन्च करने के बाद आपका फिर से क्रोम क्लोज होकर फिर से रीओपन होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो मंत्रा डिवाइस 110% जो है आपका मंत्रा डिवाइस काम कर लेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपका मंत्रा डिवाइस जो है वो अब रेडी हो चुका है। अगर अभी भी आपका मंत्रा डिवाइस रेडी नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके बोल देना, मैं आपको पर्सनली गाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नहीं है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना क्योंकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।